हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं राहुल आर एक्जॉटिक से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ पिंजरे इसमें खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। तो मोस्टली मैंने जो लवबर्ड्स हैं, जिस पिंजरों में लवबर्ड्स ही होते हैं सेटअप में, इधर लवबर्ड्स हैं, तो मोस्टली मैंने उठा दिए हैं और जो जो हैं उनके सबके नेस्ट बॉक्स खोल दिए हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही इधर बड़ा केस था जिसमें मैं रख सकता था। और ये बाकी जो हैं इनको मैं 4-4 फीट के पिंजरे में रखूँगा, और एक पेयर जो है वो अंडे बच्चों के साथ है और बाकी जो हैं खाली हैं। तो इनको मैं एक साथ ही रखूँगा, सिंगल सिंगल रख नहीं रहा था मैं, क्योंकि सिंगल सिंगल में फिर इशू हो जाता है, लड़ते हैं बाद में, ऐड करो उनके साथ तो लड़ते हैं। तो इनको भी 2.5 फीट के केज से निकाल के मैं 4 फीट के केज में डाल दूँगा। तो ये पूरे टोटल केज लगे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10-12 केज हैं ये, और इसमें से अभी 4 पेयर रह गए हैं और बाकी 6 पेयर जो हैं मैंने उठा के उधर रख दिए हैं, बड़े केज में डाल दिए हैं। वो भी मैं आप आगे दिखाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखिए और बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। तो ये 2.5 फीट का केज है, इसमें हम खाना पानी और ग्रेट वगैरह सारा कुछ लगा के रखते हैं। और ये अब आ गया बड़ा केज, इसमें जैसे उसमें छोटे छोटे खाने के बॉल थे, इसमें एक बड़ा बॉल रखा है, क्योंकि इसमें लवबर्ड जो होते हैं खाते कम है गिराते ज़्यादा हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा खाना ही डालते हैं पर बॉल बड़ा रखा है ताकि गिरा ना पाएँ। और एक बॉल जो है पानी का है और एक जो है सॉफ्ट फूड वगैरह और फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, जो चॉप करके बिल्कुल फाइनली ग्रेटेड टाइप होती है वो देते हैं, क्योंकि बड़ी वेजिटेबल ही खाते नहीं हैं शौक से, बिल्कुल छोटी वेजिटेबल खाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो ब्रीडिंग बर्ड्स हैं, और जो बड़े जो इनके बच्चे वगैरह हैं उनकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। वो मेरे पास एक कमरा है, रूम है, उधर पर छोड़े हुए हैं पूरे एक सीज़न के लिए। और ये वाले जो हैं ये 3-4 महीने के लिए इस केज में रहेंगे। ये केज जो है अप्रोक्सीमेटली 6 फीट का है और 3 फीट चौड़ा है, 6 फीट लंबा है और 2 फीट 1.5 फीट ऊंचा है। तो इसमें इसमें बर्ड जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, और मैंने देखा था कि इसमें फ़ाइट ना करें, तो फ़ाइट अभी तक फ़िलहाल नहीं हुई। तो 15 दिन हो गए इसमें सेटल हुए थे इनको। जो फाइट होती भी है वो पहले 1-2 दिन 3 दिन में हो जाती है, जो होनी होती है अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, तो उसके बाद नहीं होती है, एक बार ही सेटल हो जाते हैं। बट जैसे इसमें मैंने डाला था, इसमें मेरे पास येलो वाला एक पेयर था, वो भी मैंने इसके साथ ही छोड़ा था, लेकिन तो उसका कुछ फाइट दिख रहा था, मतलब एक पीस जो था उसमें से वो नीचे बैठता था, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने उस पेयर को उठा के छोटे केज में वापस डाल दिया। अब उसको मैं दोबारा बाकी जो बचे बर्ड्स हैं उनके साथ इकट्ठा शिफ्ट करूँगा किसी और केज में। तो ये भी आपको भी यही देखना है कि कौन सा बर्ड किसके साथ लड़ रहा है, क्या नहीं लड़ रहा है, तो आपको ये देख के ही छोड़ने हैं कि इसमें इकट्ठे। इसमें छोड़ने का फ़ायदा तो ये है कि आप दाना पानी का टाइम बच जाता है, और बिना मतलब के बॉक्स वगैरह चेक तो होते नहीं है, तो इतना लंबा काम नहीं होता है। जहाँ पर आपका 15 मिनट का काम है वहाँ पर आपका 3-4 मिनट का काम रह जाता है एक साथ करके। तो उस फ़ायदा तो है कॉलोनी का, बस इसमें यह है कि फाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार भी कमज़ोर बर्ड हो गया आपके पास, तो उसको बाकी बर्ड जो हैं जो हेल्दी होंगे उसको पहचान करके बुली करके उसको मारेंगे। तो आपको बस यही देखना है कि आपका कोई भी बर्ड कमज़ोर ना हो, मतलब जैसे भी उसने अगर आपने क्लचेस पूरे करे हैं, जैसे उसकी फ़ीमेल है तो फीमेल पूरी हेल्दी हो जाए उसके बाद, मतलब बच्चों को खाना खिलाने के बाद भी 15-20 दिन का उसको रेस्ट हो जाए, उसका कैल्शियम पूरा हो जाए, उसको मल्टीविटामिन पूरे मिले हों, क्योंकि अब इतनी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप मल्टीविटामिन तो दोगे नहीं, तो गर्मियों में तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स दोगे बस, और बाकी कुछ तो दे नहीं सकते हो। तो आपको पहले केज छोटे केज में ही आपको सारा कुछ उसका ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद एक साथ ही छोड़िए। इसमें जैसे ये वाला केज है, इसमें मैं अभी तो इसमें 12 पीस होंगे, तो इसमें मैं करीबन 16 या 18 भी छोड़ सकता था इतने बड़े केज में, पर अब इसमें 18 भी छोड़ते हैं, पर छोड़ना एक ही टाइम पे, ये नहीं कि आपको 4 एक दिन छोड़ दिए, 4 उसके अगले दिन छोड़ दिए, 4 उसके अगले दिन छोड़ दिए, तो जो पहले आएंगे बर्ड वो इस केज पे डोमिनेंस शो करेंगे। तो अगर उन्होंने एक बार इस केज पे कब्जा कर लिया तो किसी दूसरे बर्ड को वेलकम नहीं करेंगे, उसको मारेंगे हमेशा। तो अगर वो बर्ड हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसमें हल्का सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो उसको बिल्कुल मार ही देंगे साइड पर करके। तो आपको भी ये देखना है, वो इतना बड़ा केज है तो इसमें आपको कम से कम नहीं तो 3 बॉक्स खाने के लगाने हैं, एक डब्बे पे खाने का नहीं होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट करने वाला पेयर होगा वो ही पहले उस पर कब्जा करेगा और कोशिश करेगा कि मैं सारा खाना खा के और बाकी फेंक दूँ। तो आपको एक तो जो बॉल रखोगे वो भी आपको चौड़ा रखना है ताकि खाना वेस्ट ना हो,
और दूसरा आपको 2-3 जगह पे लगाने हैं। बाकी इधर हेल्थ वगैरह इनकी अच्छी हो जाती है बर्ड्स की, वो उसका एक बेनिफिट होता है आपको। और दूसरा है पर्चीज भी ज़्यादा लगानी है, हो सके जैसे मैंने 6 फीट का केज लगाया है तो मैंने इसमें 4 पर्चीज लगाई हैं 1.5-1.5 फीट के फासले पे। तो आप भी 4-5 फीट 4-5 पर्चीज लगा के रखिए ताकि हर एक पेयर एक पर्च पे उसको मिल जाए बैठने के लिए। मतलब अगर एक पर्च के ऊपर ही 5-6 पेयर बैठेंगे, या अगर आपने इतने बड़े केज में 1 या 2 पर्च लगाई हैं तो फिर वो फाइट होने के चांस होते हैं। मतलब इनको अपनी प्राइवेसी पूरी मिलनी चाहिए पेयर टू पेयर, मतलब अपना पेयर जो एक पेयर बना हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको दूसरा बर्ड डिस्टर्ब ना करे। तो उससे आपका यही फ़ायदा होगा कि आपका बर्ड जो है हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, खाना पीना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं अगर बर्ड हल्का सा भी स्ट्रेस हो जाएगा किसी भी बर्ड से तो खाना पीना छोड़ देगा, और जैसे ही खाना पीना छोड़ेगा तो दूसरे बर्ड उसको और परेशान करेंगे और मारेंगे। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको इकट्ठा एक साथ छोड़ना है, इसके जो बेसिक मेन पॉइंट्स होते हैं आपको एक साथ छोड़ने हैं एक केज के अंदर। केज को कोशिश करें पहले डिसइंफेक्टेंट करें, उसके अखबार वगैरह बदल लें, उसको साफ़ सुथरा कर दें, पर्चेज वगैरह चेक कर लें बिल्कुल टाइट है कि नहीं है, क्योंकि बाद में लूज़ पर्चेज होंगी तो उसको गिरते रहेंगे। पर्चेज एकदम टाइट होनी चाहिए, केज वगैरह साफ हो, और 3-4 बॉल्स जो हैं खाने पीने के लगे होने चाहिए। पानी का 1 बॉल या 2 बॉल भी लगे होंगे सफिशियंट है, लेकिन हाँ पानी आपको 2 बारी बदलना है दिन में। 1 बारी पानी बदलने से कुछ नहीं होगा, गर्मियाँ बहुत है, और जैसे ही खाने के साथ करते हैं पानी में भी वैसे ही करते हैं, पानी में भी गंदगी करने जाते हैं ये। मतलब पानी में या तो पॉटी कर देंगे या फिर खाना पीना वहाँ पे जाके फेंकेंगे पानी के अंदर। तो लव बर्ड जो है छोटा छोटा है पर बहुत शरारती बर्ड होता है, और कहने का लव बर्ड है, पेयर में आपस में अच्छा रहता है लेकिन कॉलोनी में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। ये अब इंडिविजुअल किए जा रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ ये हैं। अभी ये वाला एक पेयर है, इसके ये भी उससे निकला है, अभी इसने अंडे बच्चे दिए हैं और बड़े हो गए हैं, सेल्फ हो गए हैं, तो ये अलग हो गया है पेयर, और इसको मैं अलग कर दूंगा। इसमें एक अल्बाइनो पेयर है, और ये कुछ छोटे फॉस्टरिंग के लिए मैंने पेयर रखे हुए हैं, ब्लू मास वगैरह, ये छोटे गिंजरों में है, इसको भी बड़े में शिफ्ट कर दूंगा। और ये खाली पेज हैं, ये वाला जो है पार ब्लू और यूविंग का पेयर है, इसने बच्चे दिए हुए हैं। इस गर्मी में कभी मैं आपके साथ आगे मैं दिखाऊंगा कि बच्चे वगैरह गर्मियों में कैसे निकालते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर और आप हमको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको ज़रूरत होगी वो देखेगा और कुछ उसका बेनिफिट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, साइड पे एक बेल बटन होगा उसको दबा के जाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।